हेलो, तो क्या हाल है। तो चलो समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पूरा कंप्लीट चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखो यार, सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसके बाद समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं आपके घर से प्रारंभ होती हैं और टोले मोहल्ले विदेशों तक जाती हैं। जैसे कि समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, आप ले लो पहले अपने घर में दूध से जब दही बनता है तो वहां पर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। बूढ़े बुजुर्गों को देखा होगा जब चूना बनाते हैं, बुझाते हैं, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होता है, ठीक है। और उसके बाद जब आता है आपके लोहे की बारी, आपके दरवाजे में जो लोहे के लगे होते हैं उसमें देखे होंगे खिड़की में, उसमें मूर्छा लग जाता है। मूर्छा का मतलब है जो ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है, उसको जंग बोला जाता है एक असली भाषा में, ये नकली भाषा है मूर्छा, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये सभी चीजें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। चांदी ले लो, चांदी में काले रंग की परत चढ़ जाती है, आप देख लेना कभी, क्यों फिर बदलवाते हैं हम लोग उसको, ताकि वो नया कर सके जो सोनार होता है। तो चांदी में भी काले रंग की परत चढ़ जाती है, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया का रोल ही होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तित हो जाना। भाई चांदी है उसमें चमक कम हो जाती है। तो चलो देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या टूटकर किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आप ले लो जल, ठीक है। जल जब बनता है तो कैसे बनता है, H2 होता है प्लस O2 मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ठीक है, यानी H2O बनता है। अब यहां पर हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर जल बनाते हैं, ठीक है। अब परमाणु क्या है, आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं कि परमाणु ऐसे होते हैं जो तत्वों के अंदर पाए जाते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं के बारे में ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद आप एग्जाम्पल ले लो यहां पर, दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब जल से अभिक्रिया करता है इसी जल से, तो वो क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का ट्वाइस बना लेता है। अब यहां पर थोड़ा सा देखने वाली बात क्या है, मैं बताता हूं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं उसके बाद, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो यहां पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस यहां पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि यहां पर एक पदार्थ टूटकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण किया, दो पदार्थ का निर्माण करता है एक पदार्थ टूटकर। तो यहां पर मैंने परिभाषा में इसीलिए लिखा है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या टूटकर किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है डिफरेंट गुणधर्म, ठीक है, यानी नए गुणधर्म वाले, एकदम न्यू पदार्थ बनाते हैं, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है यहां पर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहां पर नया गुणधर्म वाला पदार्थ जरूर बनेगा। जैसे कि जल को आप ले लो, जल को समझते हैं, हाइड्रोजन ज्वलनशील है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है और दोनों आग को जलाने में मदद करती हैं। जब फूंकते हो आग जलती है, ज्यादा तेज भभकती है, तो वहां पर ऑक्सीजन के कारण, तो यहां पर H2O बनता है जो कि एक द्रव है। हमारा जो जल है लिक्विड है, द्रव है, क्यों देख लो। तो यही यहां पर बोला गया है, दो पदार्थ मिल गए, एक पदार्थ का निर्माण किया, लेकिन नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण किए हैं। इसके गुणधर्म क्या है कि भाई ये पानी को बुझाने में मदद करता है, लेकिन ये दोनों पानी को जलाने में मदद, सॉरी, आग को जलाने में मदद करते हैं, जबकि ये आग को बुझाने में मदद करता है, पानी को नहीं, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है कैल्शियम ऑक्साइड, जब जल से अभिक्रिया करता है तो हमारा बुझा हुआ चूना बनता है CaOH का ट्वाइस, है ना, ये आपके बुक में है एग्जाम्पल, अभी बताएंगे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट आता है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यहां पर मेन बात यह है कि मैंने लिखा है एक पदार्थ टूट कर भी बनाता है, इसके कारण मैंने लिख दिया। देखो, एक पदार्थ है टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ भी बना सकता है, तो यहां पर यही परिभाषा आपकी सही हो जाती है। अब एक बात समझ लो थोड़ा सा, इधर वाले जो बाएं साइड होते हैं उनको बोला जाता है अभिकारक, ठीक है, यानी रिएक्टेंट। क्या होते हैं, अभिकारक, ठीक है, यानी रिएक्टेंट आप बोल सकते हो, रिएक्टेंट। और इनको बोला जाता है प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ठीक है, उत्पाद, इसको इनको बोला जाता है उत्पाद, यानी आप लिख सकते हो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। तो ये उत्पाद हो जाते हैं, यानी अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा समझो,
अभिकारक जितने भी होंगे बाएं साइड वाले होंगे, उत्पाद दाएं साइड वाले। तो आप इस तरीके से भी तो परिभाषा बना सकते हो ना कि जब दो या एक से अधिक अभिकारक, अभिकारक ये सभी हुए, ये अभिकारक, ये अभिकारक, ये अभिकारक अलग, ये तो एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं या उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन ये थोड़ा अच्छी परिभाषा है, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो ये अभिकारक होते हैं, इनको अभिकर्मक भी बोला जाता है, और ये उत्पाद हो जाते हैं। तो चलो अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि रासायनिक समीकरण क्या है। लेकिन उसके पहले थोड़ा एक बात समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कब होती है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या गुणधर्म हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो क्या क्या होगा। देखो भाई, रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होता है। अब भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था में परिवर्तन जो है आपने समझा होगा, रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जो, जैसे हम ये मार्कर अगर तोड़ दें तो दोबारा इसको चिपकाकर बनाया जा सकता है भौतिक विधि द्वारा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन एक बार हो गया तो हम उसी चीज को वापस नहीं बना सकते। जैसे कि कागज को फाड़ना, ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि अब जब दीपक जलता है तो वहां पर दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन भी। अब यहां पर देखो ये हो जाता है। अब यहां पर रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या गुणधर्म है, पहला गुणधर्म जो होगा वो क्या होगा कि जब दो पदार्थ आपस में मिलेंगे या टूटेंगे तो वहां पर अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। अब यहां पर दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, नहीं, दूसरा जो गुणधर्म है वो क्या हो जाएगा कि भाई कुछ भी होगा तो उसके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है कोई पदार्थ है, अगर अभिक्रिया होगी, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे, एग्जांपल के तौर पर। तो यहां पर लिख सकते हो रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन। उसके बाद हमारा जो आता है, अगला आता है, ठीक है, वो हो जाता है हमारा तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। अब इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल मतलब बदलेगा, किसी भी चीज में रासायनिक अभिक्रिया होगी टेम्परेचर बदलेगा। अभी हम सभी को एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, ठीक है। चौथा हमारा आ सकता है कि भाई गैस का निष्कास हो सकता है, गैस का उत्सर्जन लिख दो आप, ठीक है, उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है निष्कासन, ठीक है, तो गैस का उत्सर्जन हो सकता है। अब यहां पर पांचवा भी हो सकता है कि भाई हमारा क्या है, एक अवक्षेप बन सकता है, अवक्षेप। इतनी चीजें रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हो जाएंगी, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जब होगी, जब किसी पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन होगा, रासायनिक पहचान में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है, हम समझते हैं। अवस्था में परिवर्तन जैसे जल वाला एग्जांपल समझो, H2+O2 यहां पर मिलकर ये बनाते हैं H2O, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों मिलकर H2O बना लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा, देखो पहचान बदल गई, ये क्या है, एक गैस है, ये क्या है, ये भी गैस है, लेकिन ये क्या है, ये द्रव है। अब यहां पर परिवर्तन हुआ कि नहीं, गैस गैस मिलकर द्रव बना दी, कंप्रेस करके किसी गैस को हम द्रव बना सकते हैं, किसी भी गैस को, ठीक है। तो आप अगर 9th अच्छे से पढ़े होंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, कंप्रेस मतलब क्या है, दबाव डालकर किसी भी गैस में अगर दाब लगा दें, उसके जो परमाणु हैं उनके बीच की दूरी कर दें, जो मतलब तो कम कर दें, तो द्रव बन जाएगा। तो देख सकते हैं H2 और O2 दोनों मिलकर वो जल बना रहे हैं, जल मतलब एक द्रव बना रहे हैं, ठीक है, यानी अवस्था में यहाँ पर परिवर्तन हो गया। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया अवस्था में परिवर्तन। अब यहां पर रंग में परिवर्तन का मतलब समझो, रंग में परिवर्तन कहां पर होगा, एजी, तो यहां पर हो जाता है हमारा AgCl। अब AgCl जो है ये क्या है, ये मतलब क्या है, सिल्वर क्लोराइड आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर क्या है, चांदी क्लोरीन बोल सकते हो, सिल्वर क्लोराइड। अब यहां पर इसको जब हम ताप देंगे, ताप नहीं देंगे बल्कि सूर्य का प्रकाश यहां पर देंगे, सूर्य का प्रकाश। अब आप बोलोगे कि सर ताप नहीं दे सकते क्या प्रकाश, नहीं, कहीं कहीं पर क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में ही वो अभिक्रिया होगी, जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया प्रकाश में भी होगी, लेकिन प्रकाश जरूरी है, ताप नहीं, आग ओग नहीं जरूरी, ठीक है। तो यहां पर ये समझ लेना। अब ये क्या है AgCl, अब इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये क्या बनाएगा,
Ag यहां पर अलग हो जाता है प्लस Cl2 यहां पर अलग हो जाता है ताप के देने से। लेकिन यहां पर जो चांद सिल्वर होता है वो सिल्वर कलर का ही होता है, रंग में परिवर्तन है ना। लेकिन यहां पर जो हमारी सिल्वर होती है उसका रंग जो है ग्रे कलर हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रे। अब यहां पर देखो रंग में परिवर्तन हो गया। तो ये एग्जांपल आप समझ सकते हो। तीसरा एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि भाई तापमान में परिवर्तन का मतलब क्या है। चूना बुझाते कभी देखा है किसी को? चूना जब बुझाया जाता है तो वहां पर क्या होता है कि चूना क्या है, ताप मतलब निकालता है। जैसे कि अगर बिना बुझा हुआ चूना हम बाजार से लाएं, ले आना कभी 5 रुपए 10 रुपए का मिलता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है। सॉरी, जब यहाँ पर इसमें जल मिलाया जाता है यानी प्लस H2O किया जाता है तब क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का ट्वाइस बनाता है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, तापमान में परिवर्तन, क्योंकि यहां पर ये ठंडा था बिल्कुल, कुछ इसमें ताप नहीं था और इसमें भी ताप नहीं था, लेकिन यहां पर ताप हो गया, यहां पर ये क्या है गर्म हो गया यानी ऊष्मा निकल रही है यहां से। तो आप समझ सकते हो कि ये तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के कारण। कैसे पहचानेंगे कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई? तो ये सारी चीजें देखना, कहीं पर अगर एक भी हो रही है समझ जाना कि भाई हाँ यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उसके बाद गैस का निष्कर्षण कैसे हो सकता है, सोडियम का एग्जाम्पल ले लो, यानी जब जल से अभिक्रिया करता है H2O से तो क्या यहां पर बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस यहां पर H2 गैस का निष्कर्षण होता है। देखो यहां पर H2 गैस का निष्कर्षण हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, देखो संतुलित अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि गैस का निष्कर्षण हो रहा है और कहीं कहीं पर अवक्षेप क्या है, अब समझ लेते हैं बस। कि जैसे आप एक होगा भी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, जिंक सल्फेट, वहां पर क्या होगा, उसको जब हम जिंक से अलग करेंगे तो वहां पर कुछ चीजें बन जाती हैं, जैसे लोहे की अभिक्रिया होगी तो वो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अवक्षेप का मतलब है कि उस पात्र में नीचे कुछ अवक्षेप जमा हो जाएगा, कुछ चीजें छोटी छोटी बारू बेकार चीजें जमा हो जाएंगी, उसको अवक्षेप बोला जाता है। तो आप आई होप आप समझे होंगे इसको। चलो आप समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। तो चलो चलते हैं रासायनिक समीकरण की ओर। तो चलो अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो भाई रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे अगर जल बनता है तो हम बोलेंगे कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, लेकिन क्या उसको हम छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, वही समीकरण होता है। समीकरण दो प्रकार का हो सकता है रासायनिक समीकरण। पहला हमारा जो समीकरण होगा वो होगा शब्द समीकरण, ठीक है, क्या होगा शब्द समीकरण। और दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो सूत्र समीकरण लिख सकते हो आप, ठीक है। सूत्र समीकरण या प्रतीक समीकरण कुछ भी कह सकते हो, ये एग्जाम में उतना आता नहीं, ठीक है। सूत्र का मतलब है किसी भी चीज को सूत्र में दर्शा देंगे तो वो सूत्र समीकरण हो जाएगा। पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं जल, ठीक है, जल को समझते हैं। H2 जब जल बनता है प्लस O2 मिलकर फिर से वही एग्जाम्पल जल बनाते हैं, तो क्या इसको हम शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ये क्या हुआ एक शब्द समीकरण हुआ, क्योंकि हम शब्दों के फॉर्म में उसको बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम सूत्र समीकरण को देखें तो उसको सूत्र के रूप में दर्शाएंगे, जो कि सूत्र समीकरण ये है, ये पूरा H2+O2H2O, तो ये क्या है सूत्र समीकरण, बिल्कुल शॉर्ट में छोटे में हमने दर्शा दिया। अब एक हो जाता है आपका कंकाली समीकरण। क्या है कंकाली समीकरण? जैसे हम यहां पर अगर लिख दे पूरा हाइड्रोजन और यहां पर लिख से ऑक्सीजन लिख दें, ठीक है, और यहां पर बनता है जल, तो ये क्या है कंकाली समीकरण, ठीक है। अब इनको हम सूत्र में इसको दर्शाए, इसको इसका सूत्र में दर्शाए, इसको इसके सूत्र में दर्शाए, ये क्या हुआ हमारा सूत्र समीकरण हो गया। तो सिंपल है समझना। तो चलो अब आगे हमारा जो टॉपिक आता है उस पर बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, सिंपल से बताएंगे बिल्कुल आपको, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो होगा वो क्या होगा, हमारी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पहला जो होगा वो होगा संयोजन अभिक्रिया। क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया। अभी एग्जांपल भी बताएंगे आपको, ठीक है, बस बने रहना वीडियो में आखिरी तक, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। संयोजन अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमारा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? वियोजन
अभिक्रिया। बोलने से ही पता चल रहा होगा कि क्या होगा यहां पर, अभी बताते हैं कि क्या होगा, एग्जाम्पल पर बताएंगे, परिभाषा ऑटोमेटिक बनाना सिखाएंगे, ठीक है। अब यहां पर तीसरा जो होगा संयोजन होगा वियोजन विस्थापन, इसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो तीसरा हमारा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ये हो जाएगा चौथा हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, आप अपने से बता सकते हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोला जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो बार विस्थापन होगा, अभी बताते हैं कैसे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सभी को समझेंगे। तो संयोजन वियोजन विस्थापन द्विविस्थापन, इतनी अभिक्रियाएं जो है आपकी मेन है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो आएंगी उसके बाद हमारी जो आती हैं वो आती हैं पांचवा, उसके बाद हमारी आती हैं सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, यानी रेडॉक्स अभिक्रियाएं, नोट कर सकते हो। तो रेडॉक्स रिएक्शन आ जाती हैं, तो इनको आप नोट्स कर सकते हो, ठीक है। रेडॉक्स को मतलब आर ई डी ओ एक्स रेडॉक्स बोला जाता है, यानी रेड से आपका हो जाता है रिडक्शन और ऑक्स से आपका हो जाता है ऑक्स से, ठीक है, ऑक्स से ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब है उपचयन अपचयन, ठीक है, ये हो जाता है आपका उपचयन और ये आपका हो जाता है अपचयन। इतनी अभिक्रियाएं मेन होती हैं, उसके बाद और आ जाती हैं, अभी समझा देंगे उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी वो सभी चीजें, ठीक है, बस बोलने में आपको आना चाहिए, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया ये है, जब जल बनता है, देखे हो H2+O2, तो यहां पर जल बनता है H2O, ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, संयोग होना, दो पदार्थ आपस में जब मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया हो जाती है, बस सिंपल है बोलना, तो याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एग्जांपल के तौर पर ही आपको याद हो जाएगा, इसीलिए मैंने परिभाषा नहीं लिखाई, क्या मतलब है लिखाकर, ना एग्जाम में आना है, बस आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है। तो ये हो जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला था, इसी के तौर पर दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ताकि आप ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया समझ सको। यहां पर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ले लेते हैं H2O, तो यहां पर बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर जो ये हो रहा है, ये यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाया, लेकिन यहां पर ऊष्मा भी निकल रही है, क्या है, ऊष्मा यानी ताप निकल रहा है, टेम्परेचर निकल रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, जहां पर ऊष्मा निकलेगी वहां पर होगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, लेकिन अगर कोई रिएक्शन को पूर्ण करने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़े, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझे हम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पर क्या हुआ, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, मतलब ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हो जाती है, ठीक है, ये ऊष्मा शोषी हो जाती है, वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाती है, आई होप तुम समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब अगला हमारा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वियोजन संयोजन दो प्रकार से हो सकता है, अभिक्रियाएं उसमें हो सकती है क्या, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। उसके बाद हमारा आता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को समझना भी सिंपल है, जस्ट इसका अपोजिट कर दो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, ये वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है, देख सकते हो ये वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यहां पर एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण किया, तो यहां पर आप एग्जाम्पल के तौर पर उसको ही लिख सकते हो, या लिख सकते हो जिंक ZN, जिंक कार्बोनेट CO3 को आप तब तोड़ोगे ऊष्मा देकर तो वो बना लेगा जिंक ऑक्साइड प्लस यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देख सकते हो यहां पर वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन कितने प्रकार से हो सकता है, तीन प्रकार से होगा वियोजन,
पहला वियोजन क्या होगा भाई, हम किसी चीज को ऊष्मा दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका ऊष्मीय वियोजन, यही तो होगा, ऊष्मा दे रहे हैं तो ये आपका क्या हुआ ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ऊष्मीय वियोजन। तो आई होप तुम समझ गए होंगे कि भाई ऊष्मीय वियोजन क्या है, ऊष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन, मतलब ताप के द्वारा, मतलब किसी चीज में आग जला दें, अगर इसको आग किसी उपरक्त बर्तन में और नीचे से आग जला दें तो ये बन जाएगा, और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ जाएगी, ये अवक्षेप बनेगा, ये सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है, तो ये तो उड़ जाएगी गैस, गैस तो उड़ जाती है तो ये बन जाएगा, तो ये क्या हुआ ऊष्मीय वियोजन। इसीलिए मैं परिभाषा नहीं रटा रहा हूं, आराम से समझो बस, बिल्कुल प्यार से, ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन ये हो जाता है। उसके बाद एक हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन, अभी देखते हैं कैसे, देखिए अभी इनका एग्जांपल नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, अभी इसका ही एग्जांपल समझ रहे हैं ये सब। अब यहां पर लेते हैं, जैसे मैंने लिया था AgCl लिया था, उसमें हम क्या करते हैं प्रकाश देते हैं, किसका, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश देते हैं सूर्य का, ठीक है, ऊष्मा नहीं देते, प्रकाश देते हैं, प्रकाश जैसे लाइट का हो सकता है, बल्ब का, तो प्रकाश देंगे, जैसे आपके प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वही सेम, ठीक है, तो यहां पर ये बनता है Ag ग्रे कलर का प्लस Cl2 अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम ताप दोगे तो ये अलग नहीं होंगे, ये चिपके रहेंगे आपस में, लेकिन प्रकाश दोगे तो ये आप अलग हो जाते हैं, तो समझ रहे हो ना कि जो प्रकाशीय वियोजन है वो इसको बोला जाता है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन बोल दो वियोजन, इसीलिए मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं, इस तरीके से कोई नहीं समझाया होगा तुमको, बस टाइम थोड़ा लग सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, उसके बाद हमारा आएगा विद्युतीय वियोजन, ठीक है, यानी विद्युत वियोजन बोल दो या विद्युतीय वियोजन, वो क्या होगा समझते हैं, विद्युत अपघटन भी उसको बोला जाता है, अपघटन का मतलब ये है, देखो वियोजन को अपघटन भी बोल सकते हैं, मैंने नहीं बताया था, वियोजन जब होगा डिकम्पोजिशन होगा उसको अपघटन अभिक्रिया अगर पूछे परिभाषा तो भी सेम होगी, क्योंकि उसको अपघटन, अपघटन का मतलब ये दो चीजें आपस में टूटना, अपघटित हो जाना, ठीक है, तो ये अपघटन हो जाएगा। अब ऊष्मीय वियोजन मतलब कि जो वियोजन अभिक्रिया होगी उसके जो पार्ट होंगे वो क्या क्या होंगे, पहला बताओ, इसका तो आपने समझ लिया ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, ठीक है, इसका जो पार्ट होगा वो क्या होगा मैं यहां पर लिख देता हूं, पहला होगा जो ऊष्मा क्षेपी, मतलब ऊष्मा देगी जब अभिक्रिया, ठीक है, तो ये ऊष्मा क्षेपी इसमें होगी, लेकिन जब वियोजन होगा तो उसमें ऊष्मा शोषी होगा, यानी ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा दिया जाएगा तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है, ये अभिक्रिया का प्रकार नहीं है बल्कि उसमें सम्मिलित है, ठीक है। उसके बाद हमारा ऊष्मीय वियोजन हो गया और प्रकाशीय वियोजन, उसके बाद विद्युत अपघटन, यानी जब जल लेते हैं, जैसे यहाँ पर H2O बना हमारा H2, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हो, तो यहाँ पर ये टूटेंगे H2+O2 में, तो ये क्या हुआ जल का विद्युत अपघटन। अभी आगे आपके पूछ भी सकता है जल का विद्युत अपघटन करने पर क्या होता, तो जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, टूटकर जल टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है, इस तरीके से आप एग्जाम में लिखना अगर आए, ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं से भी पूछ सकता है आपके, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है, तो ये हो जाता है, तो ये हो गया आपका विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, या लिख सकते हो विद्युत अपघटन, ठीक है, अपघटन, राइटिंग नंबर सॉरी, तो इतने प्रकार की हो जाती है। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें सिंपल अभी इसका एग्जांपल समझते हैं, इनको मिटाते हैं, ठीक है, तो चलो अब इसको मिटा देते हैं। तो अब तुमको क्या है कि भाई अगर तुम समझना चाहते हो विस्थापन अभिक्रिया, तो तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सक्रियता श्रेणी याद करनी पड़ेगी। सक्रियता श्रेणी क्या है, एक श्रेणी है जो कि तत्वों के मतलब क्रियाशीलता को दर्शाती है, तत्वों के ताकत को दर्शाती है। जैसे हमारी अगर एक श्रेणी बना दी जाए कि ये कम ताकतवर है, ये उससे अधिक ताकतवर है, ये उससे अधिक ताकतवर है, ये उससे अधिक, जैसे हमें हमारे समाज में कुछ चीजें बनी हुई है कि भाई जो मतलब गरीब है वो कम ताकतवर है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन उसके बाद उस थोड़ा मिडिल क्लास, उसके बाद थोड़ा और ताकतवर, तो इस तरीके से एक श्रेणी बनाई गई है तत्वों की श्रेणी, जिसको बोला जाता है
मतलब तत्वों की क्रियाशीलता के आधार पर या ताकत के आधार पर जो श्रेणी बनाई गई उसको बोला जाता है सक्रियता श्रेणी। मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या क्या सक्रियता श्रेणी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सॉरी एयू गोल्ड, ठीक है, तो ये हो जाता है। तो आई होप तुम इसको देख रहे होंगे। अब यहाँ पर से हम कुछ अभिक्रियाएं बनाएंगे, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, क्या ले लें, चलो सी यू एसओ फोर ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट इसको बोला जाएगा क्यूपरस सल्फेट एक्चुअली में, ठीक है, लेकिन कॉपर सल्फेट लेते हैं। इसकी जब अभिक्रिया सोडियम से करवाते हैं तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा सोडियम सल्फेट यानी यानी 2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस Cu बना लेगा, संतुलित अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो क्या हुआ यहाँ पर, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है जब एक पदार्थ है उसको दूसरा पदार्थ हटा देता है वो अगर ज्यादा ताकतवर है, जैसे कि ताकत मैंने बताया ना ऊपर वाला ज्यादा ताकतवर है, उसके बाद फिर सोडियम है, उसके बाद फिर कैल्शियम है, तो ये ताकत को दर्शाता है, मतलब क्रियाशीलता एक प्रकार से तत्वों की क्रियाशीलता को दर्शाता है, ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कॉपर कम शक्तिशाली था इससे, देखो कॉपर कहाँ पर है, देखो ये यहाँ पर है, सोडियम यहाँ ऊपर है मतलब ज्यादा शक्तिशाली है, तो इसने क्या किया सोडियम इससे अभिक्रिया पूरा कर लिया, इससे इसको हटा दिया, ये कुछ लेकर जा रहा था, मतलब कॉपर जो है SO4 को लिए चिपकाए हुए था, लेकिन सोडियम क्या कहे भैया बड़े तेज हो रहे हो, तो क्या किया कि भाई सोडियम इससे छीन लिया, चल भाग निकल, फेंक दिया पूरा बाहर, तो ये हो जाता है। उसके बाद कुछ भी ले सकते हो आप, अब अपने से कितने सारी अभिक्रियाएं इसी से बना सकते हो, CuSO4 के ले लो, पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करा दो, CuSO4 के ले लो, कैल्शियम के साथ करा दो, ठीक है, तो ये हो जाता है। चलो अब आगे एक एग्जांपल और समझते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है, कॉपर क्लोराइड नहीं, चलो ले लेते हैं जिंक, जिंक का एक ले लें, नहीं तो कहो कॉपर का ही ले रहे हैं, तो ZnCl2 की अभिक्रिया जब हम ले लेते हैं पोटेशियम, अब की बार पोटेशियम से करवाते हैं तो क्या होता है, बस वही होगा भाई, जिंक कहाँ पर है, नीचे है, पोटेशियम कहाँ पर है, ऊपर है, तो क्या करेगा ये इससे अभिक्रिया कर लेगा, यानी हमारा बना लेगा KCl प्लस यहाँ पर ये बना लेगा Zn, मतलब Zn को इसने बाहर कर दिया, देख सकते हो इधर Zn इससे मिला हुआ है लेकिन यहाँ पर बाहर हुआ है, मतलब ये इससे अभिक्रिया किया और Zn को बाहर किया और ये यहाँ पर बना लिया, ठीक है, उत्पाद बना लिया। अब यहाँ पर संतुलित तो कर नहीं रहे, दूसरी बात KCl2 क्यों नहीं लगा, उसका कारण ये है कि K में K जो है वो +1 आवेश का होता है, मैं यहाँ पर इनके आवेश भी लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। तो K जो होता है वो 1 का होता है, ये भी 1 का होता है, ये +2 का होता है, ये भी +2 का होता है, ये +3 का होता है, ये +2 का होता है, ये +2 और +3 दोनों इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, +2 और 3 भी पाया जाता है, और ये +2 +4 पाया जाता है, 2 और 4, इनको याद करना पड़ेगा इनके आवेश, ठीक है, मैं अभी लिख दे रहा हूँ। देखो ये पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन को देखो कॉपर, कॉपर बोला जाता है, सॉरी आयरन को बोला जाता है फेरम, फेरम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि फेरस फेरिक, मतलब ईक जिसमें लगेगा उसमें ज्यादा आवेश होंगे, मतलब जैसे 3 आवेश वाला अगर हम आयरन लेंगे तो वहां पर ईक लगाएंगे यानी फेरिक, लेकिन 2 आवेश वाला लेंगे यानी Fe+2 तो वहां पर फेरस, ठीक है। उसी तरीके से Pb+2+4 है यानी पम्बलम इसको बोला जाता है, तो पम्बलस पम्बलिक, ठीक है, पम्बलस पम्बलिक, हाइड्रोजन का -1 और +1 होता है, तो +1 ले लो और -1 भी कहीं कहीं पर होता है। Cu का 2 पाए जाते हैं +2, ठीक है, और 1 भी रहता है। Hg का होता है, Ag का 1 ही होता है, Au का 2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेना, Au को मुझे कन्फ्यूजन में आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाते हैं, मैं इनको बता दिया, और इनको याद कर लेना इनके आवेश, जैसे कि SO4 का मैं बता देता हूँ मेन, SO4 का -2 होता है, CO3 का -2 होता है, Cl का -1 होता है, इस तरीके से तुमको याद कर लेना है, ठीक है, तो इनको याद कर लेना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इनके बारे में वीडियो हम फिर बनाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं कि भाई विस्थापन अभिक्रिया आपने समझा कि क्या है, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के विलयन से उसको विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो परिभाषा रटने की जरूरत नहीं, इसी में से आप बना सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है।
द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो पदार्थ एक बदलेगा तो वो भी बदल लेगा, बोल रहा है अदला बदली कर लेते हैं आयन का, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम ले लेते हैं ZN को ही, ZN Cl ले लेते हैं, ZN Cl2 प्लस यहां पर ले लें, चलो ले लेते हैं H2SO4 ले लें, तो ये क्या करेंगे, अब यहां पर देखो दोनों के पास आयन है, तो भाई इसमें क्या एक नियम लगता है एक प्रकार का, कि भाई एक अगर छोड़ेगा तो एक लेगा तो एक छोड़ना ही पड़ेगा, अब भाई दोनों को साथ तो ले नहीं सकता, तो ये क्या करता है, अधिक शक्तिशाली है तो ये कम शक्तिशाली है, देख सकते हो ये अधिक है, तो ये इसको ले लेता है और इसको तो छोड़ना पड़ेगा, फिर इसको छोड़ देता है, तो ये इससे अभिक्रिया कर लेता है और ये इससे कर लेता है, मतलब यहां पर क्या बना लेंगे, ZnSO4 प्लस यहां पर ZnSO4 HCl बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये हो जाता है, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया को इसमें से अनेक एग्जाम्पल आप बना सकते हो, इन दोनों को लेके कहीं पर K ले लो, KCl ZN, KCl ले लो और K2SO4 ले लो, ठीक है, यहां पर तो कितने भी एग्जाम्पल इसमें बना सकते हो, चलो कम से कम 10 एग्जाम्पल बनाकर कमेंट करके जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अब हमारा द्विविस्थापन भी समझ गए, रेडॉक्स अभिक्रिया समझते हैं, थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो चलो रेडॉक्स अभिक्रिया समझ लेते हैं। तो अब हम समझते हैं अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया मैंने यहां पर लिखा, देख सकते हो, रेड और ऑक्स, रेड लाल, ऑक्स बैल, ठीक है। तो यहां पर रेडॉक्स क्या है, रेड का मतलब ही होता है यहां पर रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन, अभी बताते हैं रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। रिडक्शन का हिंदी जो होता है वो होता है अपचयन, और ऑक्स का मतलब होता है आपका ऑक्सीडेशन, लिख लेना आप सभी की स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका मतलब है उपचयन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन और रिडक्शन का मतलब अपचयन। अपचयन क्या है यहां पर थोड़ा समझो, अपचयन जो होगा वो होगा, मैं यहां पर बता दूं, ठीक है, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का हटना, O2 का हटना, किसी भी अभिक्रिया से जब ऑक्सीजन हटेगी किसी भी यहां पर अभिकारक से, अभी बताते हैं कैसे, O2 का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, लेकिन एडवांस लेवल पर अगर जाओगे तो एक्चुअली में क्या होता है, ऋण आवेश का हटना या धन आवेश का जुड़ना, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर धन के रूप में लिया गया है, तो धन आवेश कहीं पर जुड़ेगा वहां पर भी ये रेडॉक्स अभिक्रिया घटित होती है। अब यहां पर खोज हो चुकी है, ठीक है, लेकिन टेंथ में इतना ही है, तो ये हो जाता है। और इसका उल्टा कर दो तो वो उपचयन हो जाएगा, उसमें क्या होगा भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना हो जाएगा और क्या हो जाएगा, H2 का हटना, मतलब अंग्रेजी में लिख सकते हो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल समझते हैं, सबसे पहले मैंने रिडक्शन क्यों लिखा, एक्चुअली में तो हिंदी में लिखा जाता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और यहां पर अपचयन, लेकिन मैंने यहां पर अपचयन पहले और उपचयन बाद में क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर देख सकते हो रेडॉक्स, तो याद करने में थोड़ा आसानी हो जाती है, कंफ्यूजन नहीं होती, नहीं बहुत कंफ्यूज होते हैं सच में इसमें कि क्या है, तो इसमें से आप आराम से याद कर सकते हो रेडॉक्स से, रिडक्शन ऑक्सीजन, इंग्लिश वाले शब्द जरूर याद रखना और उनकी मीनिंग पता हो। तब क्या होगा भाई, इसमें ऑक्सीजन का हटना, अब एग्जाम्पल समझते हैं, सबसे पहले हम यहां पर ऑक्सीडेशन समझें या इसको समझें, तो ऑक्सीडेशन समझते हैं, जैसे यहां पर मैंने लिया था कार्बन ले लें, कार्बन प्लस यहां पर हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो ये क्या बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहां पर एक्चुअली में अगर देखोगे तो हो क्या रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस कार्बन में ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं, तभी तो यहां पर ये बन रहा है CO2, तो यहां पर क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण हुआ, किसका हुआ भाई, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है यहां पर CO2 के रूप में, ठीक है। अब यहां पर और भी ले सकते हो भाई, जैसे हाइड्रोजन में भी जुड़ सकता है H2+O2, ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगी तो सेम वही अभिक्रिया होगी H2O जब बनता है, या ले सकते हो अब ZN+O2 ZNO, सोडियम प्लस O2 यानी H2O, पोटेशियम प्लस O2 K2O, तो ये सभी इसके एग्जांपल आप आराम से बना सकते हो आवर्त सारणी वाले से, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम सभी को बना रहा, पोटेशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराओ O2 तो हो जाएगा K2O, अभिक्रिया याद करने की मतलब आपको दिक्कत ही नहीं होगी अब,
ठीक है, पोटेशियम सोडियम यानी Na+O2 Na2O, सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में घुलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मैं हर चीज़ें बात करता हूँ यार, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम Mg+O2 तो बना लेता है MgO, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। और Mg+O2 का एग्जाम्पल आपके बुक में भी है। मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ताकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सके, इसलिए उसको साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, ताकि उससे ऑक्साइड की परत हट जाए। ठीक है, तो ये हो गया। तो देख सकते हो कितना आसान है, मतलब कि अभिक्रियाओं को बनाना। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम को इसी तरह के बना सकते हो, ठीक है। कॉपर को भी बना लो, कॉपर Cu+O2 तो क्या बना लेगा, CuO। तो ये देख सकते हो आराम से कितनी सारी अभिक्रियाएं आप ऑक्सीडेशन की बना सकते हो। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अपचयन क्या है, तो चलो अब हम समझते हैं कि भाई हमारा जो रिडक्शन है यानी अपचयन है वो क्या है। जैसे कि यहां पर एक अगर हम अभिक्रिया देखें CuO, ठीक है, प्लस यहां पर अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन से, तो ये बनाएगा Cu+H2O, ठीक है, ये हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है यहां पर, अपचयन। अपचयन कैसे, देख सकते हो CuO है, मतलब इसमें से क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन होता है। मतलब CuO से ऑक्सीजन हट रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, Cu अलग हो जा रहा है और ये ऑक्सीजन इसमें चली जा रही है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, लेकिन हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन किस में जुड़ रहा है, ऑक्सीजन में जुड़ रहा है, तो यहाँ पर दोनों घटित हो रहे हैं। क्या घटित हो रहा है, देखो यहाँ पर पहला तो भाई ये क्या, इससे ये बना Cu, तो ये यहां पर क्या हुआ, इसका अपचयन, और इसमें इसमें से ये बना, तो यहां पर क्या हुआ, उपचयन। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया इसीलिए तो बोलते हैं, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो उपचयन हो गया, हाइड्रोजन में भी जुड़ सकता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अपचयन उपचयन की परिभाषाएं। तो आप परिभाषा क्या याद करोगे, आई होप सब समझ गए होंगे इसको, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी नहीं करते हैं। हर चीज़ मैं हो सकता है आपको बता दिया हूँ, ताकि अभिक्रिया याद करने में आसानी हो जाए, किसी भी अभिक्रिया को आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो चलो हम अब आगे बढ़ते हैं, फिर वन शॉट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आगे हमारा आ जाता है रेंसिडिटी यानी अभिकृत गंधिता, और कॉर्सन यानी आपका जो हो जाता है जंग, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है, संक्षारण क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि हमारा जो संक्षारण क्या होता है, मतलब कॉर्सन क्या होता है, ठीक है। क्या बोलोगे पता नहीं, संक्षारण क्या है, सिंपल समझो, लोहा है, लोहा में जंग लगना संक्षारण ही है। लोहा क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और जंग पकड़ लेता है उसमें। अब यहां पर देखो सबसे इसमें खेल क्या है, पहला तो ऑक्सीजन का खेल है, दूसरा यहां पर जल का खेल है, तीसरा यहां पर वाष्प का खेल हो सकता है, चौथा हमारा हो सकता है यहां पर नमी का। इतने से आप परिभाषा बना सकते हो, जब कोई धातु ऑक्सीजन, जल, वाष्प, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत संक्षारित हो जाती है, जिस घटना को बोला जाता है संक्षारण। तो चलो परिभाषा आपको बता ही देते हैं। तो अब चलो हम देखते हैं कि संक्षारण होता क्या है आगे, ठीक है। संक्षारण का मतलब है कॉर्सन, और कॉर्सन होता क्या है, देखो सिंपल सा समझना तुम, ठीक है। तीन चीजों को याद रखना, चार चीजों की, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो सकती है, जल, वाष्प, नमी, ये शब्द याद रखोगे तो इसको बनाना बिल्कुल आसान है परिभाषा, कि भाई जब कोई क्रियाशील धातु, क्रियाशील का मतलब है कि भाई ताकतवर धातु, मैंने आपको सक्रियता श्रेणी बता ही दिया था ना, तो उसमें क्या हुआ था कि भाई जो ऊपर वाली धातु वो अभिक्रिया जल्दी कर लेती है। तो क्या होता है, जब कोई क्रियाशील धातु जल, ऑक्सीजन, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, इस घटना को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ पर जब लोहे में जंग लग जाता है, तो सिंपल है कि लोहे में जंग कब लगता है, पानी भर दोगे तो जंग नहीं लगेगा, लेकिन उसमें जब पड़ा रहेगा तो जंग लगेगा। कैसे, देखो यहाँ पर लोहा होता है सॉलिड फॉर्म में, आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर H2O को आप समझो कि भाई ये तो जल होता है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन नहीं, ये गैस फॉर्म में होता है। गैस का मतलब है वाष्प, जल जो होती है ओस होती है ना, उससे ज्यादा लोहा संक्षारित होता है। आप देखना कभी लोहे को अगर ओस में रखोगे, ओस पड़ेगी
तब उसमें रात बहुत जल्दी जंग लगता है। तो इसमें इसी कारण होता है कि गैस फॉर्म में जब ये जल होता है तो उसमें से ज़्यादा रिएक्शन करता है ये, और फिर यहाँ पर ये जंग लग जाता है, यानी Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड इसको बोलना, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड ये बनाता है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। तो ये देख सकते हो, दूसरा एग्जांपल और समझ सकते हो, कितने भी अब एग्जांपल ले लो आप, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दो, बस इससे एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दो, किसी धातु की जल से अभिक्रिया करा दो, वो इसके एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल समझे सोडियम की अगर हम जल से अभिक्रिया करवाएं H2O से, तो क्या बनाएगा ये, Na2O बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, ये ऑक्साइड नहीं बनाता है बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और ऑक्सीजन गैस निकालेगा, ठीक है, संतुलित नहीं कर रहे हैं। पोटेशियम की सेम अभिक्रिया होगी, के बस सोडियम की जगह लग जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं, अगर यहाँ पर जिंक को, जिंक जब जल से अभिक्रिया करती है, ये क्या करेगी, जिंक ऑक्साइड बना लेगी, जिंक ऑक्साइड की परत, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हो जाता है, देख सकते हो। अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे सोडियम की, तब क्या होगा, देखो सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाएगी Na2O, सोडियम ऑक्साइड तभी बनेगी जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी। बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सभी धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन जल से, जरूरी नहीं कि सभी धातुएं ऑक्साइड बनाए, कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कम अभिक्रियाशील वाली हैं, लेकिन ज़्यादा अभिक्रियाशील वाली हैं, जैसे आप सोडियम को ले लो, पोटेशियम को ले लो, कैल्शियम को ले लो, ये सभी हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट बना लेती हैं, डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो एग्जाम्पल इसके हो जाते हैं। अब चलो समझते हैं, लेकिन अभी कहाँ भागे जा रहे हो, अभी तो एक चीज़ तो मैंने बताई ही नहीं, मैं इसको आखिरी में जान से बताना चाहता ताकि आप इतने सारे एग्जांपल कर लो तो आप समझ जाओ संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, ये संतुलित करने के लिए ही तो 3, 4 ये क्या लगाया गया है। अगर हम इनको संतुलित करें, अभी यहाँ पर देखो संतुलित नहीं है कुछ चीज़ें, संतुलित क्यों किया जाता है ये सबसे पहले समझो। समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि उसका द्रव्यमान बराबर रहे। भाई अगर हम इधर 40 ग्राम पूरा 40 इसको और 40 ग्राम इसको ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये पूरा मिलकर 80 ग्राम होना चाहिए। भाई अभिक्रिया होगी तो उसके भार में, उसके द्रव्यमान में कमी नहीं आएगी, तो ये मतलब की है कि उसके द्रव्यमान में कमी ना हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े हो 9th में, सेम उसका ही है ये, द्रव्यमान संरक्षित है मतलब उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर 40-40 अभिक्रिया करेंगे, ये तो ही नहीं है कि 500 ग्राम यहाँ पर बन जाएगा, वो तो 80 ग्राम ही बनेगा ना, तो इसीलिए संतुलित किया जाता है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है समीकरण को संतुलित करना। जैसे कि अगर इसको संतुलित करें तो ये तो टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक ठीक है, थ्री हाइड्रोजन है यहाँ पर कितना है, 2 और 1, ये कितने हाइड्रोजन हुए, 3 हाइड्रोजन। तो इधर अगर हम 4 बना दें, 2 यानी OH कर दें, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी 2 ऑक्सीजन, इधर भी दो ऑक्सीजन, सोडियम 2 लेकिन सोडियम 1, तो ये संतुलित हो गया। तो देखिए मतलब एक विधि है संतुलित करने की, मतलब काल्पनिक विधि, कल्पना करो कि क्या क्या इसमें नहीं है। जिंक इसमें देखो जेडन है, H2O है, इसको भी संतुलित ही करना पड़ेगा। तो Na2O बनाया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये तो संतुलित ही है लगता है, ठीक है, तो संतुलित ही है। अब ये देखो इसको Na2O, अब Na2 सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो ये संतुलित करने के लिए द्रव्यमान मतलब बराबर रहे, द्रव्यमान पढ़े हो ना, जैसे कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझ लें अगर तब ज़्यादा समझोगे, जल वाला एग्जाम्पल H2 जब बनता है, H2 प्लस O2 इक्वल टू हो जाता है H2O, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 2 परमाणु हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर इतना बनाता है, लेकिन इनके परमाणुओं को हमको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 लगा दें अगर, और यहाँ पर 2 लगा दें, तो ये संतुलित हो जाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर जल बनाते हैं। अब इसका जो अगर जितने ग्राम, मान लो ये 2 हाइड्रोजन है, तो ये कितने ग्राम हो जाएगा, 2 × 4 ग्राम। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो ये 32 ग्राम मान लो, ठीक है। इसका क्योंकि 16 होता है, तो 16 × 32 परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है, 32 ग्राम में मानते हैं। अब यहाँ पर ये कितना पूरा बना लेगा, 32 × 4 = 36, यहाँ पर ये 4 ग्राम हो गया और ये
16 दूना 32, मतलब पूरा 36, और इधर भी पूरा 36। तो देख सकते हो इसके लिए हम इसे संतुलित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आएगा कि इस समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ताकि समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर रहे, ठीक है, बस इतना है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ताकि समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर हो जाती है, मतलब या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर हो जाती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये हो जाता है। चलो अब समझते हैं रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता क्या होती है, एसिडिटी क्या होती है यानी विकृत गंधिता क्या होती है, ठीक है। विकृत गंधिता को इसी में समझ लो, इसमें से ऑक्सीजन को ले लो बस, इसके संपर्क में जो पदार्थ आएगा उसके स्वाद गंध में परिवर्तन हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रेंसिडिटी, मतलब विकृत गंधिता, ठीक है। तो ये हो जाता है, जैसे कि अब चलो विकृत गंधिता की परिभाषा से ही समझते हैं। तो चलो देखते हैं विकृत गंधिता की परिभाषा। तो अब यहाँ पर रेंसिडिटी समझ लेते हैं, मतलब विकृत गंधिता क्या होती है, ठीक है। ऑक्सीजन बस को याद रखना है, उससे ही पूरी बन जाएगी। ऑक्सीजन की अभिक्रिया जब होगी, देखो कैसे, जब तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है और वह खराब होने लगती है, इस घटना को रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता कहते हैं। सिंपल भाई, आपका खाना महक क्यों जाता है, आपके घर में जब खाना बनता है शादी विवाह में बनता है उसको फेंक क्यों दिया जाता है सुबह जो बच जाता है, इसीलिए भाई, क्योंकि वो खराब हो जाता है, उसके विकृत गंधिता हो जाता है उसका, मतलब जो वसा होता है, तेल होता है, डालडा प्रयोग किया जाता है, जो रिफाइंड ये सब तेल वगैरह, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाती है और वो नष्ट हो जाता है। तो वही है सेम रेंसिडिटी, दैनिक जीवन में जितने भी चीज़ें हैं उनसे कल्पना करोगे ना तो याद तुम्हें करना ही नहीं पड़ेगा, ये क्या याद करने की जरूरत है, अब नहीं है, आराम से याद ना करो, अपने परिभाषा बनाओ और मुझे कमेंट नीचे करो कि हाँ ये परिभाषा क्या हो सकती है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा। तो ये इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे पफ्स बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, हम समझते हैं कि जो पफ्स होता है उसमें गैस भर दी जाती है ताकि वो ज़्यादा लगे, लेकिन उसका एक्चुअली कारण नहीं है, उसका एक्चुअली कारण ये है ताकि वो खराब ना हो। हम लोग सोचते हैं कि उसमें गैस क्यों भरी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा दिखाई दे, नहीं, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है तो भाई वो ऑक्सीजन उसमें जा नहीं सकती, और ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो खराब नहीं होगी, और जितने भी नमकीन वगैरह पफ्स ये सब तेल यानी वसा युक्त से खाद्य सामग्री से बनते हैं, तो इसीलिए उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है। फ्रिज में खाना खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि विकृत गंधिता उसमें रोक दी जाती है, ऑक्सीजन संपर्क नहीं रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, वो खराब ही नहीं होता और वो ठंडा करता रहता है आराम से, तो क्यों खराब होगा भाई, जब इसका कुछ उपयोग ये है। तो आप आराम से उनकी परिभाषा एग्जाम्पल लिख सकते हो कि भाई पफ्स बनाने वाली कंपनियां नाइट्रोजन भर के वायुरोधी कर देते हैं। तो रेंसिडिटी से बचाव के कुछ तरीके देख लेते हैं, तो रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है यार, मतलब कि विकृत गंधिता से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कि वायु को सबसे ज्यादा वायु को मतलब वहां से हटा दें, तो वायुरोधी बर्तन का प्रयोग करके, वायुरोधी बर्तन का प्रयोग करके ठीक है, ये हो सकता है एक एग्जांपल। वायु के स्थान पर यहां पर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, तो चलो यहां पर लिख देते हैं कि भाई वायु के स्थान पर N2 गैस भरकर, ये एक एग्जांपल इसका हो सकता है। इसी तरीके से आपका ये मैंने बताया नहीं था, मैं देखो भाई कोई भी स्क्रिप्टिंग नहीं किया हूं, जो दिमाग में आ रहा है वही कर रहा हूं। तो मैंने आपको कोर्सन यानी आपका संचारण बताया था, उसमें बचाव के लिए क्या करोगे, उसमें भी वायु से संपर्क तोड़ दो, जो जो चीजें मैंने बताई थी भाई, अम्ल है आपका, ऑक्सीजन है, जल है, वाष्प है, आर्द्रता मतलब नमी है, उससे संपर्क तोड़ दो, नहीं होगा संचारण, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, जैसे कि ग्रीस या तेल लगा दो, पेंट कर दो, तभी तो भाई नमी चिकनाहट उसमें पैदा कर दो, तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो, पेंट कर दो, ठीक है, ये सभी चीज़ें उसमें, कुछ चीज़ों में जिंक की परत भी चढ़ा दी जाती है, तो जिंक क्योंकि ऑक्सीजन सभी के लिए जल्दी नहीं करता है, तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो आई होप तुमको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। कहाँ भागे जा रहे हो,
चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात, जितने भी आपके बुक में मैं दिखा देता हूँ, मेरे यहाँ पर बुक रखी हुई है, ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इनको मैं एक एक करके सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये फोकस यहाँ पर नहीं कर रहा है कैमरा, मैं ऑटो फोकस इसको अगर कर दूँ ठीक है तो ये करेगा। हाँ, अब देखो ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये ना, ये वाले, ये सभी क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करवाऊंगा ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो बस चैनल के साथ बने रहना, बिल्कुल आराम से मस्त पढ़ाई होगी क्लास टेंथ वालों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जय हिंद।